दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार गौड़ एक बार फिर आपके YouTube चैनल MS बल्लभगढ़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, आपको पसंद भी आई होंगी, आपको कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। आज जो हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं वो एक ऐसा सरल प्रकरण है जिसको क्या है विद्यार्थी ज्यादातर नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि ये सरल भी लगता है। परंतु आप ध्यान में रखना कि जितना सरल प्रकरण होगा अपना प्रश्न उतना ही गलत ज्यादा होगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि उसको हम ज्यादा पढ़ते हैं नहीं है, उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, और परीक्षा के टाइम पर परीक्षा के समय पर जब हमारे लिए ऑप्शंस आते हैं तो उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रकरण चाहे कैसा भी हो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, जितना समय हम उस कठिन प्रकरण के लिए देते हैं उतना ही समय हमको सरल प्रकरण के लिए भी देना चाहिए। यदि सफलता हासिल करनी है तो प्रत्येक प्रकरण को हमें बराबर बराबर समय देना पड़ेगा। पिछली जो वीडियो हमने बनाई है उसमें वाच्य परिवर्तन की वीडियो, उसके बाद में अब हम आगे जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं वो है प्रश्न निर्माण का प्रकरण है। और इसका जो प्रश्न निर्माण का जो प्रकरण है, प्रश्न निर्माण है, वो परीक्षा में आता है, वो अपने सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण प्रकरण, प्रश्न निर्माण का अर्थ है प्रश्न बनाना। परीक्षा में अपने लिए उत्तर आएगा, उत्तर को हमको प्रश्न में बदलना है, प्रश्न बनाना है उस उत्तर का। अब प्रश्न बनाने के अनेक प्रकार के तरीके हैं, अनेक प्रकार की विधियां हैं। मैं आपको एक सरल तरीके से यहां पर आपको बताऊंगा। तो देखो इसके कुछ नियम हैं प्रश्न निर्माण करने के, कुछ वाचक शब्द हैं, कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं महत्वपूर्ण जिनके द्वारा प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से वाच्य परिवर्तन में, कारक में, विभक्ति में, इनमें सब में धातु रूप और शब्द रूप महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न निर्माण में शब्द रूप और धातु रूप महत्वपूर्ण है। जिस भाई बहन पर शब्द रूप और धातु रूप नहीं आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनको कंठस्थ करें, क्योंकि यही व्याकरण की क्या एक तरह से नींव है। जब तक हमको धातु रूप और शब्द रूप याद नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर जो प्रकरण है उनमें धातु रूप और शब्द रूपों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रश्न निर्माण है इनमें जो प्रश्न बनता है उसके कुछ अव्यय शब्द हैं, और उसके बाद जो अपने किम शब्द के रूप हैं, किम का मतलब क्या, क्यों, कौन, ये शब्द किम शब्द के रूप में ही इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का मतलब होता है पूछना, जो प्रश्न का जो साध्य करते हैं वो है पूछना। तो देखो सबसे पहले प्रश्न बनाने के प्रश्न बनाने की विधि या नियम, प्रश्न बनाने की विधि या नियम। तो सबसे पहले देखो नंबर एक पर हम सबसे पहले लेते हैं स्थानवाचक अव्यय शब्द, स्थानवाचक अव्यय शब्द, ये अपना पहली सीढ़ी है प्रश्न बनाने की। तो सबसे पहले हमने जो वाचक शब्द लिया है वो लिया है स्थान वाचक। स्थान का मतलब होता है कहां,
स्थान का मतलब होता है कहां। तो देखो स्थान वाचक अव्यय शब्द होता है कुत्र। संस्कृत में जो स्थानवाचक अव्यय शब्द है वो होता है कुत्र, और कुत्र का मतलब होता है कहां। कुत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, कुत्र का अर्थ होता है कहां। स्थानवाचक शब्द हो गया अपना कुत्र। अब जैसे मान के चलो किसी कोई बाइक आ गया, और बाइक में आपको या तो वो जो प्रश्न निर्माण करवाएगा कि किसका हमको प्रश्न निर्माण करना है, उसके नीचे या तो आपको अंडरलाइन करेगा या उसको स्थूल पद में अर्थात मोटे अक्षर में वो लिख देगा। अब यदि स्थूल पद अर्थात जो मोटा जो अक्षरों में जो लिखा हुआ है या जिसके नीचे अंडरलाइन या रेखांकित हो रहा है और उसमें स्थानवाचक के नीचे हो रहा है, तो फिर हमको किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण करना है। देखो यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक है, स्थानवाचक शब्द क्या है कर्म कारक है, और उसे आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। देखो यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में आ रहा है और उसको आधार मान करके हमको प्रश्न का निर्माण करना है, तो स्थानवाचक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कुत्र लिख देते हैं। एक बार बोले देखो कि यदि स्थानवाचक शब्द क्या है कर्म कारक है, और उसे आधार मानकर अर्थात कर्म कारक जो स्थानवाचक शब्द है उसको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है, तो जो स्थानवाचक शब्द है अर्थात जो रेखांकित स्थानवाचक शब्द है उसको हटा करके उसके स्थान पर कुत्र शब्द को लिख देते हैं, कुत्र अव्यय शब्द को लिख देते हैं। जैसे देखो मैं आपके लिए उदाहरण बताऊं, सरल सा उदाहरण देखो, राम है विद्यालयम गच्छति, बहुत सीधा और सरल उदाहरण है आपके सामने, ये उत्तर है, क्या है ये उत्तर लिख दिया है। अब इसको क्या बनाना है प्रश्न बनाना है। अब इसमें कर्म कारक है विद्यालय, आपको पता है विद्यालय स्थान का नाम है, विद्यालय किसका नाम है स्थान का नाम है, तो स्थानवाचक शब्द है और ये कर्म कारक में आ रहा है, किस में आ रहा है ये कर्म कारक में। अब हमको क्या करना है प्रश्न का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमको ये जो संस्कृत में जो उत्तर लिखा हुआ है उसका पहले हिंदी में अर्थ करो, राम विद्यालय को जाता है, हिंदी में अर्थ कर लिया राम विद्यालय को जाता है। हिंदी में अर्थ करने के बाद में उसका हिंदी में आप प्रश्न बनाओ, उससे फायदा होगा कि यदि आप हिंदी में प्रश्न बनाओगे तो अपना जो प्रश्न जो निर्माण है वो गलत नहीं होगा। राम है विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है, ये हिंदी में इसका अनुवाद हो गया उत्तर का, ये उत्तर लिखा हुआ है कि राम विद्यालय को जाता है। अब इसका हमको हिंदी में ही क्या बनाना है प्रश्न, अंडरलाइन जिसके नीचे अंडरलाइन रेखांकित हो रही है, जिसके नीचे अंडरलाइन रेखांकित जो हो रहा है उसी को ही क्या क्यों कैसे कहां कब ये बनाना है, ये नहीं कि राम के स्थान पर क्यों क्या कहां कैसे लिख दिया,
या फिर गच्छति के स्थान पर कुछ और लिख दिया या कोई और जिसके नीचे अंडरलाइन हो रही है या जो स्थूल पद है उसी को आधार मान करके हमको प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो अब राम विद्यालय जाता है इसका हमको प्रश्न बनाना है कि राम विद्यालय के स्थान पर राम विद्यालय जाता है तो राम कहां जाता है। देखो विद्यालय के स्थान पर आ गया कहां, तो जिसके नीचे अंडरलाइन हो रही है उसी के स्थान पर कहां, क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसका जो प्रश्न बना है वो बना है राम है कुत्र। देखो स्थानवाचक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कुत्र लिख देते हैं, बस ये स्थानवाचक कर्मकारक शब्द है, इसको हटाया और इसके स्थान पर लिख दिया कुत्र और ये हो गया गच्छति। और प्रश्न ये बन गया अपना प्रश्न। तो इस प्रकार से हमसे वो पेपर में या एग्जाम में पूछता है राम है विद्यालयं गच्छति तो राम है कुत्रे गच्छति। अर्थात ऑप्शंस में आपके लिए राम विद्यालयं गच्छति ऑप्शन में दे देगा आपके लिए कुत्र के में कदा, तो आपको क्या करना है कुत्र करना है। ठीक है, और देखो एक उदाहरण मोहने नववादने, मोहने नववादने जयपुरम गमिष्यति। मोहन 9 बजने पर जयपुर को जाएगा। अब देखो रेखांकित पद इसमें स्थानवाचक है क्योंकि हम स्थानवाचक ही पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो मोहन 9 बजने पर जयपुर जाएगा, ये हिंदी मर्द कर लिया हमने सबसे पहले। एक चीज आप याद रखना है कि संस्कृत में जब प्रश्न निर्माण आता है तो सबसे पहले उसका हिंदी में अनुवाद करना है और हिंदी में अनुवाद करने के बाद में उसका हिंदी में ही सबसे पहले प्रश्न बनाना है। संस्कृत में डायरेक्ट संस्कृत में ही प्रश्न नहीं बनाना है, उसका हिंदी में प्रश्न बनाना है जिससे क्यों कहां कैसे का अर्थ निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो अब देखो हिंदी में हम प्रश्न बना रहे हैं कि मोहन 9 बजने पर कहां, क्योंकि स्थानवाचक शब्द है और स्थानवाचक शब्द का जो अव्यय है वो है कुत्र। क्या है? कुत्र है। तो मोहन और कुत्र का अर्थ होता है कहां, तो मोहन 9 बजने पर कहां जाएगा। तो देखो मोहने नववादने कुत्र गमिष्यति, कुत्र गमिष्यति। ठीक है, तो ये बन गया अपना प्रश्न। तो जो भी स्थान अपना कर्म कारक में आ रहा है, किस में आ रहा है कर्म कारक में, ये कर्म कारक है, ये भी क्या है कर्म कारक है। जो भी स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में आ रहा है तो जो अव्यय शब्द होता है कुत्र, उस कर्म कारक स्थानवाचक शब्द को हटा करके उसके स्थान पर कुत्र लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद है, जैसे यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में नहीं आकर के और कर्ता कारक में आ जाता है, यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में नहीं आकर के कर्ता कारक में आ जाता है, देखो यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में नहीं होकर के कर्म कारक में नहीं होकर के कर्ता कारक में आता है तो, अब देखो यहां समझने वाली बात है कि यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में नहीं होकर के कर्ता कारक में आता है तो स्थानवाचक तो प्रश्न बनाते समय, तो प्रश्न बनाते समय कुत्र का प्रयोग नहीं करके
करके किम शब्द रूप के में शब्द रूप के अनुसार प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं। देखो एक बार फिर, यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में नहीं होकर के, जैसे यहां पर एक कर्म कारक में आ रहा है, यहां पर भी कर्म कारक में आ रहा है, यदि ऐसी स्थिति नहीं है, यदि ऐसी स्थिति नहीं है कि यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक में नहीं होकर के कर्ता कारक में आता है तो प्रश्न बनाते समय कुत्र का प्रयोग नहीं करके, प्रश्न बनाते समय कुत्र का प्रयोग नहीं करके किम शब्द रूप के अनुसार प्रश्न बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपके सामने एक दो उदाहरण इसके बताता हूं। अब देखो, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, अयोध्या रामस्य जन्मभूमि वर्तते, ये हो गया अपना प्रश्न, उत्तर हो गया। क्या हो गया ये उत्तर। अब देखो इसमें जो स्थानवाचक शब्द है कर्ता कारक में वो है अयोध्या। क्या है, अब जैसे हमने अयोध्या के नीचे अंडरलाइन कर दी, अयोध्या के नीचे, ठीक है। तो अब देखो अयोध्या स्थानवाचक है, यहां पर तो ये कर्म कारक में थी, किसमें थी कर्म कारक में। देखो ये विद्यालय कर्म कारक में है, जयपुरम भी कर्म कारक में है, परंतु ये क्या है अयोध्या, ये है कर्ता कारक में, किसमें है कर्ता कारक में। तो अब यदि कर्म कारक में स्थानवाचक शब्द नहीं है और कर्ता कारक में आता है तो कुत्र का प्रयोग नहीं करेंगे हम, यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, किम शब्द रूप के अनुसार प्रश्न का निर्माण करेंगे। अब किम शब्द रूप आपको यदि याद है, अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो स्थानवाचक शब्द है वो कौन सी लिंग में है, क्योंकि किम शब्द के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, पुरलिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। अब देखो ये जो अयोध्या शब्द है ये स्त्रीलिंग में है, क्योंकि ये नगरियों में सम्मिलित है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, तो ये जो स्थान है ये नगरियों में सम्मिलित किए गए, उसको स्त्रीलिंग में माना जाता है, अयोध्या को स्त्रीलिंग में गिना जाता है, माना जाता है। तो अब देखो किम शब्द का रूप, अयोध्या है एक वचन, अयोध्या है एक वचन, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, तो किम शब्द रूप स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही प्रयोग में होगा, तो का के का, तो यहां पर आएगा का रामस्य जन्मभूमि, का रामस्य जन्मभूमि वर्तते। अब ये बन गया अपना प्रश्न, कौन राम की जन्मभूमि है या क्या राम की जन्मभूमि है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये जो पहला नियम है ये ध्यान में रखना है, स्थानवाचक शब्द यदि कर्म कारक में आ रहा है तो उसके स्थान पर कुत्र लिखना है, स्थानवाचक शब्द यदि कर्म कारक में आ रहा है तो कुत्र लिखना है, और यदि स्थानवाचक शब्द कर्ता कारक में आ रहा है तो फिर किम शब्द के रूप के अनुसार प्रश्न बनाते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो पहला जो अपना अव्यय शब्द था वो हो गया स्थानवाचक अव्यय शब्द, उसके बाद में जो दूसरा जो अव्यय शब्द है, दूसरा जो अव्यय शब्द है वो है आपके सामने समयवाचक, कौन सा है समयवाचक अव्यय शब्द, समयवाचक अव्यय शब्द। अब देखो समयवाचक अव्यय शब्द जो होता है, समयवाचक अव्यय शब्द होता है
कदा। समयवाचक अव्यय शब्द क्या है? कदा, जिसका हिंदी मर्द होता है कब। हिंदी मर्द क्या होता है इसका? कब। और कब किसका द्योतक है? समय का। कब किसका द्योतक है? समय का, यानी कि कदा यानी कब। और हम समयवाचक अव्यय शब्द को पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो प्रश्न निर्माण करने का तरीका है वो उसी प्रकार का है जिस प्रकार से स्थानवाचक जो शब्द था उसके नीचे यदि रेखांकित है या स्थूल पद है तो उसके स्थान पर हम पुत्र लिखते हैं यदि कर्म कारक में दिया हुआ है तो, और यदि कर्ता कारक में दिया हुआ है स्थानवाचक शब्द और उसके नीचे अंडरलाइन है या स्थूल पद है वो, तो फिर पुत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हम वहां पर किम शब्द रूप के अनुसार प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो इसका जो प्रश्न बनाने का जो तरीका है वो क्या है, यदि समयवाचक शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है तो समयवाचक रेखांकित शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कदा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं दोस्तों? कदा लिख देते हैं। ठीक है, यदि समयवाचक शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है तो समयवाचक जो रेखांकित है उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कदा लिख देते हैं। अब समयवाचक शब्द जैसे समय का द्योतक कब, ये उसके बाद में जो अपने समय को जानने वाले पहचानने वाले जो शब्द हैं उनका आपको जानना जरूरी है। जैसे सूर्य उदय, ये भी समय को जानने वाला या समय का सांकेतिक शब्द है। प्रातःकाल सूर्योदय, रात्रि या 9 बजने पर, 10 बजने पर, ये सभी क्या है? समय के द्योतक है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण लिखता हूं, यहां पर राम है नववादने संस्कृतम पठती, ये अपना उत्तर हो गया। अब इसका हमको क्या बनाना है? प्रश्न। और ये देखो, अब इसमें समयवाचक राम तो है ही नहीं है, ना संस्कृत है, ना पढ़ती, अपने आप पता चल रहा है यहां पर क्या है? नववाद नहीं है, समय का द्योतक है। यहां पर इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी। अब इसी को आधार मान करके क्यों, क्या, कैसे या कब, जो भी यहां पर आपको पहचान करके समयवाचक है या स्थानवाचक है उसका प्रयोग करना है। अब आपको पहचानना है कि क्या है? समयवाचक है, तो इसी के स्थान पर कब का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका हिंदी मर्द करना है कि राम 9 बजने पर संस्कृत पढ़ता है। तो अब इसका जो प्रश्न बनाएंगे कि राम कब संस्कृत पढ़ता है, बन गया प्रश्न, राम कब संस्कृत पढ़ता है, तो राम कदा संस्कृतम पठती, ये अपना बन गया प्रश्न। क्या बन गया? ये प्रश्न। दूसरा उदाहरण देखिए आप, बालिका सूर्योदयात पूर्वमेव तत्र उपस्थिता। अब देखो, बालिका सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय होने से पहले ही, ये पूरा समयवाचक है। क्या है? पूरा समयवाचक है। बालिका सूर्य उदय होने से पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई।
तो आपको ये स्थानवाचक तो है नहीं है, जो हम यहाँ पर वो लिखेंगे क्या स्थानवाचक का वो था अपना स्थानवाचक जो अव्यय शब्द था अपना कुत्र। तो जब कुत्र के नीचे जब स्थानवाचक के नीचे रेखांकित था तो वहां पर हमने कुत्र लिख दिया। अब यहाँ पर समयवाचक जो शब्द है उसके नीचे रेखांकित है तो हमने हमको यहाँ पर क्या लिखना है कदा, क्या लिखना है कदा। तो देखो जैसे ये लिखा है यहाँ पर बालिका कदा तत्र उपस्थिता, बालिका कब वहां उपस्थित हुई, बालिका वहां कब उपस्थित हुई या हो गई। ठीक है, अगला उदाहरण देखो सा बालिका अपराह्ने भोजनम करोति, वह बालिका अपराह्ने यानी कि अपराह्न में भोजन करती है दोपहर बाद का समय, यह भी समय का द्योतक है। तो अब हमको ये जानना जरूरी है कि जब समयवाचक शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन है तो उसके स्थान पर क्या लिखना है कि वह बालिका कब भोजन करती है। तो सा बालिका कदा भोजनम करोति। तो इस प्रकार से अपने समयवाचक जो प्रश्न है उनके प्रश्न निर्माण बन जाएंगे। तो अब इसमें देखो जो समयवाचक के जो द्योतक है वो देखो एक तो है पूर्वाह्ने अपराह्ने रात्रौ दिवः यानी कि दिन, ठीक है, और बादने सायंकाले प्रातःकाले सूर्योदय सूर्यास्त, और भी जो आपके दिमाग में आते हैं जो आपके समझ में वो, अब ये सब के सब क्या है समय को बताने वाले अव्यय शब्द है। ठीक है, तो आप इनका ध्यान में रखना है इनको। तो इस प्रकार से जो समयवाचक अव्यय शब्द आता है उसका जो अव्यय शब्द है कदा है, और प्रश्न निर्माण करते समय समयवाचक जो शब्द है उसको हटा करके और उसके स्थान पर कदा लिख देते हैं। आगे देखो अगले नियम में आगे देखो दो नियम हो गए, अब तीसरा नियम अपना कौन सा, तीसरा जो नियम है उसमें संख्यावाचक शब्द। अब देखो संख्यावाचक शब्द होता है कति, क्या होता है कति, जिसका अर्थ होता है कितने, क्या अर्थ होता है कितने। अब आप पहचान जाएंगे कि कौन सा शब्द स्थानवाचक है जिसके नीचे अंडरलाइन हो रही है उसको पहचानना है कि कौन सा शब्द तो अपना स्थानवाचक है, कौन सा समयवाचक है, कौन सा संख्यावाचक है। तो अब देखो ये जो संख्यावाचक शब्द है वो क्या है अव्यय शब्द है, वो क्या है कति है, और इसका अर्थ होता है कितने, क्या होता है कितने। अब देखो यदि संख्यावाचक शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है तो संख्यावाचक
संख्यावाचक जो रेखांकित है, संख्यावाचक जो रेखांकित शब्द है, शब्द को हटाकर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर कति लिख देते हैं, कति लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब देखो इसमें जो अपना संख्यावाचक जो शब्द हो गया वो हो गया कति। हालांकि दोस्तों ये बहुत सरल टॉपिक है पर इसको जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने इसका एक उदाहरण लिया, उदाहरण के तौर पर जैसे काक है त्रिस्त्रह मंजूषाम निस्सार्य एवदत्। कौआ तीन संदूकों को निकाल करके बोला, कौआ तीन संदूकों को निकाल करके बोला। अब मान के चलो यहां पर रेखांकित नहीं है और ना ही स्थूल पद है और आपसे बोल दिया जाए कि इसमें संख्यावाचक शब्द ढूंढ करके खोज करके और अपने आप प्रश्न का निर्माण कर लो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें जो शब्द लिखा हुआ है वो संख्यावाचक शब्द कौन सा है। उसी प्रकार आपको देखना है कि स्थानवाचक शब्द कौन सा है, उसी प्रकार आपको देखना है कि समयवाचक शब्द कौन सा है, उसी प्रकार ये देखना है आपको स्थान संख्यावाचक शब्द कौन सा है। तो अब देखो मैं आपके सामने यहां अंडरलाइन करता हूं, ये संख्यावाचक है। तो आपको पता है कि जब संख्यावाचक आ जाता है उसके नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है वो, और उसको आधार मान करके प्रश्न का क्या करना है, निर्माण करना है। तो उसको हटा करके उसके स्थान पर क्या लिख देना है, कति लिख देना है। जैसे काक है कति मंजूषाम निस्सार्य एवदत्। ये बन गया आपका प्रश्न, कौआ कितनी संदूकों को निकाल करके बोला। और देखो अस्याम कक्षायाम पंचाशतः छात्राः पठन्ति। अब इसमें जो संख्यावाचक शब्द है, इसमें जो संख्यावाची जो शब्द है वो है पंचाशत। अब इसको आधार मान करके अपन हमको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। एक बार पुनः आपको मैं बताता हूं कि जो शब्द रेखांकित है, चाहे वो स्थानवाचक है, चाहे वो समयवाचक है, चाहे वो रीतिवाचक है, चाहे वो संख्यावाचक है, उस रेखांकित शब्द को ही आधार मान करके हमको प्रश्न का निर्माण करना है। जो रेखांकित हो रहा है उसी के स्थान पर क्या, क्यों, कैसे, किस प्रकार से, कब, कितने, किस प्रकार से, ये सब के सब उसी के अनुसार प्रश्नों का निर्माण होता है जो शब्द रेखांकित हो रहा है। अब अस्याम कक्षायाम पंचाशत छात्राः पठन्ति, इस कक्षा में, पहले हिंदी अर्थ करना है, इस कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। अब हिंदी में हमने अर्थ कर दिया, अब हिंदी में अर्थ करने के बाद हमको हिंदी में ही क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है कि इस कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं। अब कितने जब आ गया कितने, तो कितने का मतलब कति अपने आप आ जाएगा। तो अस्याम अस्याम कक्षायाम कति छात्राः पठन्ति, ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न बन गया। तो इस प्रकार से जब अपने सामने संख्यावाचक जो शब्द है वो रेखांकित है तो फिर उसको हटा करके, संख्यावाचक शब्द को हटा करके हमको क्या लिखना है, कति लिखना है। अब आगे देखो अपने जो नियम है, आगे उसकी श्रृंखला बढ़ाते हुए जो चौथा जो नियम है,
देखो चौथा जो नियम है वो है रीति वाचक अव्यय शब्द। रीतिवाचक अव्यय शब्द। तो देखो रीतिवाचक अव्यय शब्द होते हैं, इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। पहले स्थानवाचक में एक ही था पुत्र, समयवाचक में एक ही था कदा, और संख्यावाचक में एक ही था कति। इसमें क्या है, देखो लिंग के अनुसार हमको जो अव्यय शब्द है सर्वनाम शब्द वो लिखना पड़ता है। देखो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो है कथम। क्या है कथम, जो व्यक्तिगुण है वो है कथम, जिसका अर्थ होता है कैसे। क्या है कैसे, परंतु जो लिंग के अनुसार जो आते हैं वो आते हैं कीदृशम। ठीक है, इनका भी अर्थ क्या है देखो एक बार पुनः। रीतिवाचक जो अव्यय शब्द है वो कथम है, जिसका प्रयोग हम कीदृश है कीदृशी कीदृशम कैसा है कैसे इसमें करते हैं। एक अन्य और भी है केन प्रकारेण। क्या है केन प्रकारेण, इसका अर्थ होता है किस प्रकार से, किसे प्रकार से। सबका मैं आपके लिए उदाहरण बताऊंगा यहां पर। अब इनको ये जो रीतिवाचक जो अव्यय शब्द हैं, यदि अब इनको हम आधार मान करके प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न कैसे बनेगा। देखो यदि रीतिवाचक शब्द को आधार मानकर रीतिवाचक अब शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना हो, प्रश्न निर्माण करना हो तो रेखांकित शब्द को हटाकर उसके स्थान पर कथम कीदृशम लिंगानुसार लिख देते हैं। अब देखो यदि रीतिवाचक शब्द को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है तो रीतिवाचक जो रेखांकित शब्द है उसको हटाकर उसके स्थान पर कथम या कीदृश है कीदृशी कीदृशम लिंग के अनुसार जो भी है उसको हमें लिख देते हैं। अब देखो मैं आपको यहां पर इसके उदाहरण बताता हूं। जैसे राम है गुणोत्तम नृप है आसीत, ये अपना उत्तर है। क्या है उत्तर, इसको प्रश्न बनाना है। क्या बनाना है प्रश्न। अब इसमें जो रीति है जो क्या कैसे क्यों है ये गुणोत्तम, इसके नीचे हमने अंडरलाइन की है। अब जब इसको पहले हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, राम है गुणोत्तम है नृप आसीत। राम गुणों में श्रेष्ठ राजा थे, राम गुणों में श्रेष्ठ राजा थे। अब जो गुणोत्तम जो अंडरलाइन हो रही है रेखांकित शब्द है गुणोत्तम, क्या आपको ये स्थानवाचक लग रहा है या फिर समयवाचक है या संख्यावाचक है, आप देख करके ये देख लेना कि यहां पर कहीं कब कदा तो नहीं आएगा या पुत्र तो नहीं आएगा
या फिर कति तो नहीं आएगा है। यदि नहीं ये नहीं आ रहा है तो फिर अपना रीतिवाचक देखो आप, तो राम कैसे गुणों में श्रेष्ठ अर्थात कैसे, नृप माने राजा, आसित माने थे, तो राम गुणों में श्रेष्ठ राजा थे, तो राम कैसे राजा थे। अब प्रश्न बन गया अपना राम कैसे राजा थे, तो राम है। अब मैंने लिखा था कि लिंग के अनुसार, किसके अनुसार, लिंग के अनुसार, तो राम पुरलिंग है, राम क्या है पुरलिंग है, तो पुरलिंग में आप देखो पुरलिंग में कीदृश है, स्त्रीलिंग में कीदृशी है और नपुंसक लिंग में कीदृशम है। तो देखो यहां पर जब ये राम पुरलिंग है तो ये क्या आएगा, कीदृश आएगा, कीदृश माने कैसे, राम कीदृश है नृपय आसी, ये आपका एक प्रश्न बन गया ठीक है। दूसरा देखो एतत् फलम मधुरम आसीत, मधुरम वर्तते, यह फल मीठा है, यह फल मीठा है। तो अब देखो पहले आपने हिंदी अर्थ कर दिया यह फल मीठा है, अब इसका प्रश्न जो रेखांकित है उसके उसके स्थान पर ही आपको कैसे किस प्रकार से का प्रयोग करना है, तो वह फल कैसा है, तो जो अंडरलाइन हो रही है इसको देखो आप कौन सी लिंग में है, ये किसके लिए आ रहा है मधुर, ये आ रहा है फल के लिए, तो फल किस लिंग में आता है, नपुंसक लिंग में, तो इसका ही प्रयोग नपुंसक लिंग में ही होगा। तो एतत् फलम कीदृशम वर्तते, एतत् फलम कीदृशम वर्तते, ये अपना क्या बन गया, प्रश्न बन गया। आगे देखो श्रांता बालिका तत्र उपस्थिता, श्रांता का मतलब होता है थकी हुई, श्रांता का अर्थ होता है थकी हुई, तो देखो थकी हुई बालिका वहां उपस्थित हुई, थकी हुई बालिका वहां पर उपस्थित। अब ये जो श्रांता है इसका मतलब हो गया थकी हुई। अब हम इसका प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न कैसे बनेगा, तो अब इसी के आधार पर, इसी को आधार मानकर के हमको प्रश्न बनाना है कैसे कैसी, ठीक है, किस प्रकार से, तो कैसी बालिका वहां पर उपस्थित हुई। तो अब देखो ये बालिका के लिए आ रहा है थकी हुई, तो बालिका है स्त्रीलिंग में, कौन सी लिंग में है, स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा कीदृशी में, तो देखो कीदृशी, कीदृशी बालिका तत्र उपस्थिता, तत्र उपस्थिता, ये आपका प्रश्न बन गया ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने देखो कीदृश है, कीदृशम और कीदृशी, ये तीनों मैंने उदाहरण बताया। अगला देखो एक उदाहरण और, जैसे से स्वकार्यम, से स्वकार्यम सम्यक रूपेण या सम्यक प्रकारेण करोति, ये भी ना तो स्थानवाचक है ना ये समयवाचक है ना संख्यावाचक है, तो किसमें आ रहा है, रीतिवाचक में, कि वह अपना कार्य ठीक प्रकार से करता है। तो जब आप इसका प्रश्न बनाएंगे तो वह अपना कार्य किस प्रकार से करता है, अब यहां पर क्या आएगा आपके लिए, के प्रकारेण, से स्वकार्यम, स्वकार्यम सम केन प्रकारेण, केन प्रकारेण करोति, ये आपके सामने मैंने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बताए हैं, ये अपने चार नियम हो गए ठीक है। अब देखो ये नियम अपने लिए पर्याप्त हैं प्रश्न निर्माण के लिए। अब आगे देखो इसमें क्या है, परीक्षा में आपके लिए जैसे मान के चलो प्रश्न निर्माण का कोई प्रश्न आता है, तो आप जो रेखांकित पद है उसको देखो कि ये कहीं स्थानवाचक तो नहीं है, कहीं समयवाचक तो नहीं है, कहीं रीतिवाचक तो नहीं है, कहीं स्थानवाचक तो नहीं है। यदि इन चारों में से कोई मिल रहा है तो आप कर देना, यदि इन चारों नियमों में से कोई भी नियम लागू नहीं है, कोई भी, एक बार पुनः दोहराता हूं कि यदि प्रश्न निर्माण का कोई भी प्रश्न आता है तो पहले तो इन चारों नियमों को लगा करके देखो,
कि रेखांकित जो पद है स्थानवाचक है या समयवाचक है या रीतिवाचक है या संख्यावाचक है। यदि इन चारों में से कोई भी नहीं मिलता है तो फिर जो प्रश्न निर्माण आपका जो बनेगा वो केवल और केवल किम शब्द रूप के अनुसार ही बनेगा। किम शब्द रूप के अनुसार कैसे बनेगा कि जो रेखांकित पद है उसको आप ये देखो कि किस विभक्ति में है, किस वचन में है, किस लिंग में है, उसी प्रकार आप किम शब्द के रूप को उठाइए, उसकी जो विभक्ति है उसी विभक्ति में, जो लिंग है उसी लिंग में, जो वचन है उसी वचन में उसको बदलना है और प्रश्न का क्या करना है, निर्माण करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं आपके लिए बता दूं। अब देखो ध्यातव्य आपके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि मौखिक याद नहीं रहे तो वैसे मैं आपको यहां पर लिखता हूं। यदि उपरोक्त अर्थात जो भी मैंने पढ़ाए हैं उपयुक्त यदि प्रश्न बनाते समय उपरोक्त नियम लागू न हो तो फिर किम शब्द रूप को आप किम शब्द रूप को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करते हैं। देखो यदि प्रश्न बनाते समय जो उपरोक्त जो नियम है अपने जो मैंने आपके लिए पढ़ाया था वो जो स्थानवाचक समयवाचक रीतिवाचक संख्यावाचक जो पढ़ाए थे यदि वो नियम यदि लागू नहीं हो रहे हैं तो फिर जो प्रश्न बनाना है वो किम शब्द रूप को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, जैसे देखो एक प्रश्न उदाहरण लिखता हूं मैं आपके सामने। मेवाड़ प्रतापस्य प्रतापस्य जन्मभूमि वर्तते। देखना आप ध्यान से इसको। अब मैंने प्रतापस्य के नीचे अंडरलाइन की है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये जो रेखांकित जो शब्द हो रहा है ये तो ये कहीं स्थानवाचक तो नहीं है, प्रताप स्थानवाचक नहीं है, समयवाचक तो नहीं है, ये भी नहीं है, या फिर ये संख्यावाचक है ये भी नहीं है, और रीतिवाचक भी ये नहीं है, क्योंकि यहां पर ये संज्ञा है इसमें देखो यहां पर ये जो नाम दिया हुआ है तो स्थानवाचक जो आएगा तो वहां पर जैसे मान के चलो अर्थ करो इसका कि मेवाड़ प्रताप की जन्मभूमि है। तो यदि हम स्थानवाचक लगाते हैं तो मेवाड़ कहां जन्मभूमि है, गलत हो जाएगा अपना। मेवाड़ कब जन्मभूमि है ये भी गलत हो जाएगा। मेवाड़ कितनी जन्मभूमि है ये भी गलत हो जाएगा। मेवाड़ किस प्रकार से जन्मभूमि है कोई प्रश्न का तरीका ही नहीं बन रहा है यहां पर। तो
तो अब ये देखना है कि प्रश्न में जब चारों में से कोई नियम नहीं लग रहा है तो फिर हमको किम शब्द रूप का सहारा लेकर के किम शब्द रूप को आधार मान करके हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो मेवाड़ प्रतापस्य जन्मभूमि वर्तते। अब मैंने आपको बताया कि इनमें शब्द रूप को जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये प्रताप है, पुरलिंग है, इसमें आपको तीन चीज देखनी है। सबसे पहले देखनी है लिंग, उसके बाद में देखनी है विभक्ति, उसके बाद में देखना है वचन। ये तीन चीज आपको जानना जरूरी है, इसमें देखना जरूरी है। यदि ये तीन चीज आपकी समझ में आ जाती है तो प्रश्न अपना सही हो जाएगा। तो देखो प्रताप है अपना पुरलिंग में, किसमें है? पुरलिंग में। दूसरा है अपनी जो विभक्ति है वो है, देखो विभक्ति देखनी है, वो है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। और कौन सा वचन है? एक वचन। तो अब हमको किम शब्द रूप लेना है? कौन सी लिंग का ये वचन? पुरलिंग का। कौन सी लिंग का ये प्रताप शब्द? पुरलिंग का। तो किम शब्द रूप जो पुरलिंग में है उसको हम लेंगे और यहां पर प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो देखो मेवाड़ के कौ के कम कौ कान केन का भ्याम कई कस्मय का भ्याम केव्य कस्मात का भ्याम केव्य और कस्य कयो केसाम, ठीक है ना। तो देखो कस्य आएगा यहां पर, क्या आएगा? कस्य। कस्य जन्मभूमि, कस्य जन्मभूमि वर्तते। ये आपका प्रश्न बन गया, मेवाड़ कस्य जन्मभूमि वर्तते, ठीक है ना। आगे देखो वृक्षाणाम, वृक्षाणाम उपरी वानरः कूर्दन्ति, वृक्षों के ऊपर बंदर कूदते हैं। अब मैंने वृक्षों के नीचे अंडरलाइन की है, किसके नीचे? वृक्षों के नीचे अंडरलाइन की है। तो अब देखो ना तो ये स्थानवाचक है, ना ये समयवाचक है, ना रीतिवाचक है, ना संख्यावाचक है। तो अब किसको लेना है हमको? किम शब्द रूप को। अब किम शब्द रूप का जब नाम आ गया तो सबसे पहले क्या देखना है? लिंग, वृक्ष पुरलिंग में है, विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, वचन बहुवचन है। तो वही, तो अब आपके लिए यदि ये शब्द रूप याद है किम शब्द के, तो देखो पुरलिंग में आएगा केसाम। क्या आएगा? केसाम। वृक्षों के ऊपर बंदर कूदते हैं। अब प्रश्न बनाना हिंदी में ही, किनके ऊपर? किनके ऊपर बंदर कूदते हैं? तो केसाम, केसाम ऊपरी वानरः कूर्दन्ति। ये आपका प्रश्न बन गया, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, मया पाठ है पठ्यते, मया पाठ है पठ्यते, ठीक है। अब मया के नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। अब आप देखो ना तो ये स्थानवाचक है, ना समयवाचक है, ना रीतिवाचक है, ना संख्यावाचक है। किम शब्द के रूप के अनुसार लेंगे हम? तो ये अस्मत् शब्द का रूप है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुरलिंग में समान चलता है, ठीक है। तो मया, अब मया के स्थान पर देखो, या तो आप केन लिखो, ठीक है, कि केन, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति है, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो किसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है? यदि आप पुरलिंग में लेते हैं तो केन आएगा, और यदि आप स्त्रीलिंग में लेते हैं तो क्या आएगा? ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो पुरलिंग का आएगा या फिर स्त्रीलिंग का आएगा, या फिर ऑबलिंग में दोनों आ जाएंगे। जैसे ये दे दिया प्रश्न और ऑप्शन में दे दिया केन, दूसरा कया, तीसरा केन ऑबलिंग कया, और चौथा कस्मई, तो फिर ये सही होगा इसमें, ठीक है। अब देखो तो केन पाठ है पठ्यते, पठ्यते, ठीक है।
तो अब किसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, किसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अगला उदाहरण देखो, बालकहा विद्यालयम गच्छन्ति। अब देखो यहां पर विद्यालय भी है, पर यहां पर ये स्थानवाचक आ गया। यदि स्थानवाचक के नीचे मृदंग आती है तो फिर कुत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि स्थानवाचक के नीचे नहीं है यहां पर है तो देखो बालक शब्द जो है ना तो ये रीतिवाचक है, ना ये संख्यावाचक है, और ना ही ये समयवाचक है, ठीक है, और ना ही स्थानवाचक है। तो फिर यहां पर किन शब्द का रूप लेना है, बालक शब्द है ये, तो बालक की सबसे पहले लिंग देखनी है कि यानी कि कौन सी लिंग में है ये, तो पुल्लिंग में है, ठीक है। अब कौन सी विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में है, कौन से वचन में है, बहुवचन में है, तो किम शब्द रूप लेना है, और पुल्लिंग में के कौ के, बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का, तो के विद्यालयम गच्छन्ति, के विद्यालयम गच्छन्ति। ये आपके सामने जो चार जो नियम थे, उसके अलावा जो ये जब ना तो समयवाचक ना स्थानवाचक और ना ही उसमें रीतिवाचक ना ही संख्यावाचक आता है, तो फिर हमको किम शब्द के उदाहरण लेने पड़ते हैं, किम शब्द के रूप का को आधार मान करके और प्रश्न निर्माण करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है आपको जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसके जो उदाहरण है आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें